हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ के एग्जांपल्स के बारे में। सो अपन बॉन्ड लेंथ के ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सो गाइज, ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है अपने बॉन्ड लेंथ की वीडियो लेक्चर सीरीज का। सो बॉन्ड लेंथ की वीडियो लेक्चर सीरीज पे तीन वीडियो हैं। फर्स्ट वीडियो में अपन ने ऑलरेडी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है और एग्जाम्पल्स अपन ने थ्योरी पे चेक किए हैं। ये वीडियो सेकंड वीडियो है पार्ट टू, इसमें अपन सिर्फ एग्जांपल्स चेक करेंगे। और इसका जो थर्ड वीडियो है उसमें आप एक्सेप्शंस देखेंगे। सो गाइस, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड लेंथ है अगर उसको कंपेयर करना है, डिटरमाइन करना है, तो अपने को मेनली दो फैक्टर्स को देखना होता है। एक तो साइज ऑफ एटम्स, जिन बॉन्डेड एटम्स की साइज अगर इंक्रीज होगी तो उनका बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है बॉन्डेड एटम्स का बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज होती है। ये अपन ने इस प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में चेक किया था। सो गाइज, अपने को बहुत सारे क्वेश्चन अब सोल्व करने हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें NH3, PS3, ASH3 और SBS3 है। सो गाइज, इसमें अपने को बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कंपेयर करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले अपने को ये पता लगना चाहिए कि ये जो एटम्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो गाइस, ये NP, AS और SB ये सब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ऊपर N होता है, फिर P होता है, फिर AS होता है और फिर SB होता है। और गाइस, अपने को ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एटम्स है उनकी साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब NP, AS और SB में सबसे बड़े साइज का एटम है SB और सबसे छोटे साइज का एटम है N। अब अपने को इनमें बॉन्ड लेंथ करनी है, तो सबसे पहले आप चाहें तो इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो हर एक मॉलिक्यूल का अपन स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये NH3 हो जाएगा, इसके बाद में ये PH3 हो जाएगा, उसके बाद में ये ASH3 होगा और जो सबसे लास्ट है वो अपने पास है SBH3। सो ये अपन ने मैंने चारों के स्ट्रक्चर बना दिए। सबके पास एक एक लोन पेयर है क्योंकि अपने को पता है नाइट्रोजन फैमिली में सबके पास एक एक लोन पेयर होता है, राइट। सो अपने को इधर जो बॉन्ड दिख रहा है वो N और H का बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे सेकेंड में P और H का बॉन्ड है, इसमें AS और H का बॉन्ड है और इसमें SB और H का बॉन्ड है। सो अपने को इनकी बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। अब अपने को पता है कि अगर साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। यहाँ पे अपन साइज देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे छोटी साइज का है और जो SB है वो सबसे बड़ी साइज का है। सो नाइट्रोजन यहाँ पे छोटी साइज का है और ये जो SB है यहाँ पे सबसे बड़ी साइज का है। और P का साइज N के साइज से बड़ा होगा लेकिन AS के साइज से छोटा होगा। सो NP और SB की साइज अपन ने मार्क कर दी। हाइड्रोजन सब में कॉमन है तो हाइड्रोजन का साइज हर एक मॉलिक्यूल में सेम होगा। अब अपने को देखना है, ये डिस्टेंस अपने को चेक करना है। सो अपने को पता है कि अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ये जो डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज होगा। और एटम का साइज सबसे ज़्यादा SB में है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा SBS3 में होना चाहिए, फिर ASH3, फिर PH3 और फिर NH3। और इसका रीज़न क्या है? साइज ऑफ एटम्स। सो SB की साइज सबसे बड़ी थी इसलिए इसके बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। सो गाइस, यही कॉन्सेप्ट अपने को अब नेक्स्ट अप्लाई करना है सेकेंड क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में अपने को H2O, H2S और H2SE और H2TE इन सब में बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। सो गाइस, जैसे अपन ने बात की थी कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे बिलोंग करते हैं। सो गाइस, ये तो हाइड्रोजन है और ये OS, SE और TE ये जो चारों एटम्स हैं ये ऑक्सीजन फैमिली के हैं। ऑक्सीजन फैमिली के सबसे ऊपर O, फिर S, फिर SE, फिर TE ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं। और ऑक्सीजन फैमिली में अपन अगर ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो जो साइज है वो इंक्रीज होती है, मतलब TE की साइज सबसे बड़ी है और ऑक्सीजन O की साइज सबसे छोटी है।
सो अपन देख सकते हैं गाइस, इसकी साइज सबसे बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। तो जैसे अपन ने बात की थी कि एटम्स की जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। सो अपन ने जब फर्स्ट फैक्टर अपन ने देखा है साइज का, साइज इंक्रीज होगी अगर एटम्स की तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए H2TE, फिर H2SE, फिर H2S और सबसे कम H2O, राइट। इसका नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे HH, HCl और CLCl की बॉन्ड लेंथ। गाइस यहाँ पे अपने को देख के ही पता लग रहा है कि जो क्लोरीन के एटम हैं उनकी साइज सबसे ज़्यादा होती है। सो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में क्लोरीन के एटम्स की साइज ज़्यादा होगी। यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम है, एक छोटा हाइड्रोजन का एटम है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो गाइज यहाँ पे एटम्स की साइज सबसे ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में, और यहाँ पे साइज सबसे कम है। इसलिए ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इसके कंपैरिजन में, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए H2 में। तो ऐसे करके अपने को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पता लग गया। और यहाँ पे भी अपन ने कौन सा फैक्टर काम में लिया है, साइज फैक्टर काम में लिया है। इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो C और SiSi के बीच में अपने को बॉन्ड लेंथ चेक करना है। तो कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली के मेंबर हैं, और सिलिकॉन का जो साइज है वो कार्बन की साइज से ज़्यादा होता है। कार्बन छोटी साइज का होता है, इसलिए यहाँ के जो बॉन्ड लेंथ है वो सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में कम होगी। सो अगेन जो अपन फैक्टर यूज़ कर रहे हैं वो साइज वाला फैक्टर है। साइज वाले फैक्टर की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ से ज़्यादा होगी। सो ये चार क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू बॉन्ड लेंथ में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन है, और एक और नीचे की तरफ बेंजीन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके एक और कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से और बाकी के हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सो गाइस अपने को 1, 2 एंड 3, ये तीन बॉन्ड लेंथ आपस में कंपेयर करनी है। ये जो वन बॉन्ड लेंथ है ये बेंजीन के कार्बन और इस कार्बन के बीच की है, सेकेंड बॉन्ड लेंथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की है, और थर्ड बॉन्ड लेंथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की है। इनको अपने को चेक करना है। और जैसे अपन ने बात की कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, सो अपन यहाँ पे सिंपल बॉन्ड ऑर्डर पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, एक बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है इन दोनों के बीच में, और यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। सो गाइस जैसे अपने को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 2 की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में 3, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी 1 की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सो इस तरीके से अपन ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ को बड़े ही आसानी से चेक कर लिया। सो गाइस बॉन्ड लेंथ में जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो आपको इन दो फैक्टर से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बॉन्ड लेंथ के एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे, जो NCERT, IIT-JEE मेंस और एडवांस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच गाइस।